भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। ध्रुव जी महाराज के प्रसंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। यहां तक की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई थी। आगे मनु जी महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, प्रियव्रत महाराज की कथा हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। देखिए ऐसे महान राजा हुए प्रियव्रत कि उन्होंने पहले पृथ्वी एक रूप में थी, फिर उन्होंने पृथ्वी के भाग किए, खंड किए, तो उसको 7 भागों में बांटा। सात द्वीप हो गए। 7 द्वीप के पहले राजा हुए आग्निध्र, आग्निध्र के हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभ भगवान, जिन्होंने परम हंसावस्था को बताया है कि परम हंसावस्था की क्या स्थिति होती है। उनका विवाह हुआ, 100 पुत्र हुए, 81 पुत्र कर्मकांडी हो गए, 9 पुत्र राजा हो गए और 9 योगेश्वर हो गए और 1 पुत्र जिनका नाम भरत, उन्होंने राज्य संभाला। सबसे बड़े पुत्र भरत थे। उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ वर्ष, लेकिन जो ऋषभ भगवान के पुत्र है भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ भगवान ने संसार का त्याग किया, परम हंसावस्था में रहने लगे दिगंबर, और उनकी ऐसी अवस्था हुई कि उनके वस्त्र वस्त्र सब छूट गए। तो जैन धर्म वालों का की क्या स्थिति होती है, उनका क्या धर्म होता है, उसको उन्होंने बताया ऋषभ भगवान ने। तो उनके जो पुत्र थे भरत जी महाराज, तो भरत जी महाराज ने सारे राजपाट को छोड़ करके भगवान की भक्ति करने के लिए आश्रम में रहने लगे। भक्ति योग उनको प्राप्त हो गया था। एक बार गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। देखिए ध्यान से सुनिए, कितनी ऊंची अवस्था में आने के पश्चात भी हमारा कैसे पतन हो जाता है। भगवत प्राप्ति के 1/100 सेकंड पूर्व भी हम ये अहंकार ना करें कि नहीं, हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। छोटे से कुसंग से भी भगवत प्राप्ति के 1 क्षण पूर्व भी हमारा नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा भी अगर कुसंग मिल जाए। उनको भक्ति योग प्राप्त हो गया था, शरीर में कंपन होता था, आंखों से अश्रु प्रवाहित होते रहते थे भगवान की भक्ति में। लेकिन एक बार जब वो गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य को जल दे रहे थे, उसी समय एक गर्भिणी हिरनी थी, वो शेर की गर्जना से दौड़ी और उस नदी में छलांग लगाई, तो उसका बच्चा उस नदी में गिर गया। और जब वो गिर गया तो वो पानी में बहने लगा। भरत जी को दया आ गई। दया कोई खराब चीज नहीं है,
दया तो बहुत अच्छी चीज है। उनको दया आ गई, वो उस हिरण के बच्चे को अपने साथ ले आए अपने आश्रम में। साथ लाने के पश्चात वो उसकी इतनी सेवा किया करते थे, इतनी सेवा किया करते थे कि वो दया आसक्ति में बदल गई। जो उन्होंने हिरण पर दया की थी वो दया उनकी आसक्ति में बदल गई और उनकी भगवत भक्ति छूट गई। निरंतर उसी का चिंतन किया करते थे, उसी की सेवा किया करते थे। उसको अपने साथ बैठा के खिलाना, अपने साथ सुलाना। आप लोग भी अपने घर में डॉगी कुत्ते पालते हैं, अपने बिस्तर पे बिठा लेते हैं, अपने साथ खिलाने लगते हैं, ठीक है। जानवरों की सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन निरंतर उसी का चिंतन करते रहना, निरंतर उसी का ही चिंतन, उसी में लिप्त रहना ये गलत है, उसी में आसक्ति होना ये गलत है। तो वो उसी का ही चिंतन किया करते थे, निरंतर उसी की सेवा में लगे रहते थे। जब उनके प्राण निकलने लगे उस समय भी वो उसी हिरण का चिंतन करते रहे और मरते समय अपने शिष्यों से कहा उस हिरण को बुलाओ। और उस हिरण को देखते ही देखते, उसका चिंतन करते ही करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अगली जन्म में उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। देखिए, जिसका चिंतन करते हुए शरीर हम छोड़ेंगे वही हमारी हमारा अगला जन्म मिलेगा, जिसका चिंतन करेंगे। यान्ति देवव्रता यान्ति पृथिम यान्ति पृथिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्या जिनोपि माम। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक कहा गया है कि मरते समय जहां हमारा चिंतन होगा मरने के बाद वही हमारी गति होगी। हम जिसका चिंतन करेंगे, किसी सात्विक देवी देवता का करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, राजसी मनुष्य का करेंगे तो मृत्यु लोक में आएंगे, राक्षसों का चिंतन करेंगे तो नरक जाएंगे, और भगवान और संत महापुरुष का चिंतन करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। अंतिम समय जहां हमारा मन होगा वही हमारी गति होगी। तो पूरे जीवन हम जिस चीज का चिंतन करेंगे वही अंतिम समय हमें याद आएगा। आप ये सोचे कि मरते समय हम राम राम कह लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। मरते समय वही याद आता है जो हम पूरे जीवन याद रखते हैं, पूरे जीवन हमारी जिसमें आसक्ति होती है वही मरते समय याद आता है। तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा, लेकिन उनको ये याद रहा कि हमने क्या गलती की थी। पूर्व जन्म का वो भूले नहीं थे। उसके पश्चात फिर उनको मनुष्य का शरीर मिला हिरण के बाद, तब वो जड़ भरत कहलाए। और जब उनका तीसरा जन्म हुआ उस समय भी उनकी स्मृति बनी थी कि पूर्व जन्म में उन्होंने क्या गलती की थी। तो इस जन्म में वो निरंतर पागलों की तरह घूमते रहते थे। पहले ही उन्होंने सोच लिया अब हम किसी में आसक्ति नहीं करेंगे। घर वालों ने सोचा ये तो पागल है, उस पे ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन वो पागल नहीं थे। पागल सरीखा एक्टिंग किया करते थे। उन्होंने रहुगणों को उपदेश दिया है, रहुगण जो थे राजा थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी डोली जा रही थी तो कुछ लोग उनको लेकर के जा रहे थे। तो जब उनकी डोली जा रही थी तो रास्ते में एक जो चार पकड़ने वाले लोग होते हैं
तो एक व्यक्ति की कुछ तबीयत खराब हो गई। तो रास्ते में जब ये जा रहे थे भरत जी, तो इनको पकड़ लिया गया डोली पकड़ने के लिए। तो इन्होंने एक तरफ से डोली पकड़ ली और चलते जा रहे थे, उसको हिलाते जा रहे थे, क्योंकि पागल की अवस्था थी नहीं, कर रहे थे। तो फिर उन्होंने रहुगणों को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? रहुगणै तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणां गृहत्वा। उन्होंने कहा कि हे रहुगण, जब तक कोई जीव वास्तविक संत की शरणागति नहीं करता, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। जब तक वो उनके चरणों की धूल मस्तक पर नहीं लगाता, उससे स्नान नहीं करता, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। चरण धूल से